नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परमजीत और आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फेसबुक के ऊपर दोस्ती हुई और चैटिंग करते करते प्यार हो गया। 7 माह पहले प्यार परवान चढ़ा और शादीशुदा महिला ने दूसरे पुरुष के साथ भागकर शादी रचा ली। दोनों दिल्ली से भागकर पटना आए लेकिन यहाँ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। महिला के पति की बात सुनी जाए तो वो दिल्ली के रोहिणी थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचा। आलमगंज पुलिस ने दिल्ली पुलिस को दोनों को गिरफ्तार कर लेने की सूचना भेज दी। प्रेमी जोड़े मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले समस्तीपुर जिले के सराय रंजन गांव का युवक दिल्ली में आजादपुरी में रहता है और वहीं एक निजी कंपनी के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर है और इस युवक के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का पिता है। जबकि महिला की बात करें तो सुपौल जिले की बलुआ गांव की रहने वाली है ये औरत और अपने पति के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती है। जबकि उसका पति एक दुकान चलाता है और वो लड़की बीए पार्ट 1 की छात्र है। उसको 2.5 साल का एक बेटा भी है। युवती ने बताया कि 7 माह पहले दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई। इसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ, बातचीत शुरू हुई, दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और 4 अक्टूबर को दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। इधर 28 फरवरी को दोनों दिल्ली से फरार हो गए। सोमवार की सुबह दोनों बस के इंतजार में गांधी सेतु के पास खड़े थे, तभी आलमगंज पुलिस की नजर उनके ऊपर पड़ी। दोनों की गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और आपको बता दें ये माजरा सामने निकल कर आ गया। युवक पहली पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमिका को भी अपने साथ रखना चाहता है। युवती ने भी पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की तैयारी कस ली है और आलमगंज थाना अध्यक्ष सीपी गुप्ता ने कहा कि रोहिणी पुलिस और युवक युवती के परिजनों पटना के लिए चल चुके हैं। तो पटना में ये मामला निकल कर सामने आया और ये एक प्रेम प्रसंग फेसबुक के जरिए निकल कर सामने आए। तो ये रोचक खबर आपके लिए और खबरें भी आपके लिए ऐसी चलती रहेंगी। देखते रहें आज न्यूज़ वाला।